अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके। दो दिन लगे हमें वीडियो नहीं बनाई कोई, और आप तो यकीन हमें मिस कर रहे होंगे। तो आज हम दोबारा एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू टॉपिक्स के साथ आए हैं। आजकल लोग हमसे बहुत सवाल करते हैं, और आजकल ये बहुत आम तासुर भी है और बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि जब आप कोई डॉग ब्रीड अडॉप्ट करते हैं या बाय करते हैं, तो आप लोगों का सवाल यही होता है कि भाई पेडिग्रीड है या नॉन पेडिग्रीड है। अच्छा, ये सवाल तो बहुत आम लोग करते हैं कि पेडिग्री है या नॉन पेडिग्री है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि इस पेडिग्री लफ्ज़ के पीछे मकसद क्या छुपा हुआ है। तो सुनी सुनी बातों को देख के हम कह रहे थे भाई पेडिग्रीड है नॉन पेडिग्रीड है। अच्छा, बेसिकली हमें पहले ये पता होना चाहिए पेडिग्री है क्या एक्चुअली। देखिए, पेडिग्री का मतलब ये होता है कि अगर जैसे हम अपना शनाख्ती कार्ड बनाते हैं, हमारी ख़ानदानी हज़्मनामा पूरा नस्ल का लिखा होता है, तो उसके अंदर पेडिग्री का मतलब यही है कि एक पेट की इंसेस्ट्री लाइनेज चल रही है। तो हमें पता होगा जी, ये जो हमने लैब्राडोर का पपी ले रहे हैं या पिटबुल का पपी ले रहे हैं, इसकी पीछे लाइनेज कैसी है, ब्लड क्या है, ओरिजिन क्या है, कहाँ से ओरिजिन करती है, कहाँ से बिलोंग करती है, किस कंट्री से आई थी, ये तो सारी एक पूरी फैमिली हिस्ट्री बन जाती है। इसको कहते हैं पेडिग्री। ओके, पाकिस्तान में आप कहते हैं पाकिस्तान कैनल क्लब की है, PKU की है पेडिग्री। तो इसी तरह एक इंटरनेशनल फेडरेशन है जो पूरे वर्ल्ड को कवर करती है, उसका नाम है जी आपका फेडरेशन साइनोलॉजिक इंटरनेशनल, जिसको आप FCI कहते हैं। FCI पूरे कंट्री को रिकग्नाइज करती है। FCI की जो पेडिग्री है वो पूरे वर्ल्ड वाइड है, और हर कंट्री का एक उसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव होता है, और उस कंट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो अपनी कंट्री के अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसके अपने जजेस हों, उसकी अपनी एक अथॉरिटी बॉडी हो, रूलिंग बॉडी हो, और वहाँ के जो भी ब्रीड्स हैं उसके स्टैंडर्ड्स को वो लोग देखते हैं। अच्छा, अब ये पूछेंगे भाई क्या करते हैं, तो आपकी जो FCI है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड है पूरे वर्ल्ड वाइड। एक सेक्शन जो आपका है यूरोप है, सेकेंड अब अमेरिकन और कैरिबियन कंट्रीज जो हैं, और थर्ड में आपके एशिया, अफ्रीका और ये जो हमारे जितने भी ओशंस वगैरह आते हैं यहाँ पे। तो आपके पूरे वर्ल्ड में 3 कैटेगरीज में, मतलब 3 पार्ट्स के अंदर, सेक्शंस के अंदर जो FCI डिवाइडेड है। अच्छा, अब FCI का क्या काम होता है? FCI का काम होता है कि आप जिस कंट्री में भी आप उनकी रिप्रेजेंटेटिव हैं, उस कंट्री में जो भी डॉग्स रजिस्टर्ड हैं, तो उनका काम होता है कि उसको इंश्योर करें कि वो ब्रीड प्योर है, वो प्योरिटी के उन स्टैंडर्ड्स पर पूरी उतरी है, और अगर कोई शोज हैं, कोई काम को करना है। अच्छा, अब बात आती है भाई FCI ने कितनी ब्रीड्स को रिकग्नाइज़ किया है। तो FCI ने टोटल आज तक 352 ब्रीड्स को रिकग्नाइज़ कर चुके हैं। अब यही है कि आपकी वो जो ब्रीड्स हैं वो कहाँ कहाँ हैं, कैसी हैं, उनको देखना ज़रूरी होता है। अब हम लोग क्या करते हैं जनाब साहब, कोई भी डॉग ख़रीदा है तो क्या करते हैं, उसकी पेडिग्री देखनी है, ये देखनी है। तो क्या हमें ये पता है कि पेडिग्री होती क्या है, ये मैंने आपको बता दिया है। सेकंड चीज़, अब बहुत सारे लोग कह रहे थे माइक्रोचिप है, सही है जी माइक्रोचिप है। माइक्रोचिप का बेसिकली मकसद क्या होता है, ये भी देखने वाली बात है। जो डॉग्स माइक्रोचिप होते हैं उनका मतलब ये होता है कि जैसे आप लोग के पास स्मार्ट कार्ड हो गए, स्मार्ट कार्ड में चिप लगी होती है, चिप के अंदर अपना डेटा होता है। माइक्रोचिप का मतलब ये है कि जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं पेडिग्री की, उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री उसको डिजिटलाइज करके, उसको कोड एम्बेडेड करके उस चिप में डाल देते हैं, और कभी आपका डॉग गुम जाए कोई इस तरह हो, तो आप एक स्कैनर मिलता है, वो जहाँ भी चिप लगी उसके करीब ले जाकर उसको स्कैन करके देख लें, बता रहे हैं आप पूरी हिस्ट्री उसको स्कैनर के आगे, हाँ ये डॉग ये डॉग है। आप जाके गूगल पर सर्च करें, आपको पूरी चीज़ निकल जाएगी। अच्छा, और जो डॉग पेडिग्रीड होते हैं, अगर FCI से पेडिग्रीड है, उनको आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, गूगल पे उनकी हिस्ट्री आपके सामने आ सकती है। अब सही, अब जो वी ब्रीड्स रिकग्नाइज की हुई हैं उसने FCI ने, उनको कुछ ग्रुप्स के अंदर उसने जो है ना डिवाइड किया है। तो टोटल जो FCI के ग्रुप्स हैं, ब्रीडिंग ग्रुप्स जो है, तो उनको उसने 10 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। 10 ग्रुप्स जो है उसमें ग्रुप 1 जो है उसमें शीप डॉग्स, कैटल डॉग्स आते हैं। उसके बाद ग्रुप 2 जो है उसमें पिनिशर और शिनोजर्स वगैरह, और ये स्विस माउंटेन और कैटल डॉग्स आते हैं। थर्ड में टेरियर डॉग्स की ब्रीड्स आती हैं। फोर्थ ग्रुप जो आता है वो डैशंस का होता है, जिसको डैशंस भी कहते हैं आप। फाइव में स्पिट्स आते हैं और प्राइमेटिव पेट्स जो होते हैं लोगों के, वो आते हैं।
सिक्स के अंदर आपके पास जो आपके स्कैंटिंग डॉग्स होते हैं, जो हंटिंग डॉग्स होते हैं उस टाइप के, जैसे जिसके आपके ब्लड हाउंड होता है, इस तरह के डॉग्स आते हैं, सर्चिंग डॉग्स आके सिक्स में। सेवन के अंदर आपके सारे पॉइंटिंग डॉग्स, पॉइंटिंग्स में आपके जर्मन शॉर्ट हेड हो गया, अमेरिकन डॉक्टर हो गया, सेटर डॉग्स हो गए, उसके अंदर आपका विस्ला हो गया, इस तरह की ब्रीड जो है सेवन के ग्रुप पे आती है। एट में रिट्रीवर्स आ गए। अब रिट्रीवर्स में डॉग्स कौन से होते हैं? रिट्रीवर्स के अंदर आपका गोल्डन रिट्रीवर है, और भी जो अपना क्या कहते हैं फ्लशिंग डॉग्स और वाटर डॉग्स आते हैं, वो सारे के सारे ग्रुप एट में आते हैं। ग्रुप नाइन में आपके कंपेनियन एंड टॉय डॉग्स। अब टेन जो है ना ग्रुप, उसके अंदर साइट हाउंड सारे आते हैं। अब ये पता होना चाहिए कि भाई ऐसे है कि जो ग्रुप्स आपने बनाए हैं, इन ग्रुप्स के अंदर सारे डॉग्स भी आ गए, इनके कैटेगरीज आ गई और सब कुछ आ गया। अब ब्रीड स्टैंडर्ड होते हैं कुछ। अब जैसे लोग बहुत कहते हैं कि भाई ब्रीड स्टैंडर्ड्स क्या हैं, ब्रीड स्टैंडर्ड्स, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपको कोई ब्रीड देखनी है तो आप उसका नाम देखें, उसको देखें। अब एक जो आजकल हमारे यहाँ बहुत ट्रेंड चला हुआ है, लोगों के मतलब हस्की लेना है, अलास्कन मैलमूट लेना है, तो जी अब जब आपने अलास्कन मैलमूट ले लिया है तो आपको उसकी ब्रीड के स्टैंडर्ड्स पता होने चाहिए। जब ब्रीड स्टैंडर्ड्स ही नहीं पता होंगे तो क्या फ़ायदा होगा? तो क्या करते हैं जनाब साहब, आपको अगर उसके ब्रीड स्टैंडर्ड्स का पता कराना है तो आप fci.org में जाएं, वहाँ पर जाके सर्च करें, कुछ मालूमात हमसे चाहिए तो बता देते हैं, हम आपको बता देंगे। जनरल अपीयरेंस उसके अंदर उसकी पता लग जाएगी आपको, उसके अंदर इंपॉर्टेंट प्रपोर्शन उसके होते हैं, उसका बिहेवियर टेम्परेमेंट बताएंगे, हेड का साइज़ क्या है, क्रेनियल रीजन क्या है उसका, फेशियल रीजन क्या होना चाहिए उसका, उसके अंदर उसकी नेक कैसी होनी चाहिए, उसकी बॉडी कैसी होनी चाहिए, उसकी टेल कैसी होनी चाहिए, उसकी लिम्स कैसी होनी चाहिए, उसकी हाइट क्या होनी चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं FCI ने डॉग्स की रिकग्निशन के। अब हम क्या करते हैं जनाब से, यहाँ से कुत्ता पकड़ा जो भी उठा के ले आए और बता दिया जी भी अलास्कन मैलमूट है, ये है। जब देखिए प्योरिटी तो पता लग जाएगी जब आप उसकी कोई हिस्ट्री और रिकग्निशन आप लोगों के पास हो। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, आप शो डॉग चाहते हैं या सिर्फ एक पेट चाहते हैं? अगर आप तो पेट लवर हैं तो आपके लिए पेडिग्री इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ओके, इफ़ यू आर नॉट अ डॉग लवर एंड यू वॉन्ट टू ओन अ डॉग विद शो क्वालिटीज एंड यू हैव टू एग्जिबिट इन द शोज, तो देन यू नीड टू हैव द पेडिग्री डॉग, एंड दैट पेडिग्री डॉग मस्ट टू मीट द स्टैंडर्ड्स ऑफ दैट FCI स्टैंडर्ड्स और PKC स्टैंडर्ड, PQ स्टैंडर्ड्स। हम क्या करते हैं, हम लोगों को हर चीज़ें चाहिए होती हैं यहाँ पर। फेसबुक ने वैसे भी आपको पता है कि ये चीज़ें मना की हुई हैं कि आपने सेल आउट नहीं करना है, परचेज नहीं करना है फेसबुक पर। तो इवन दो कि ये FCI वाले सब कुछ वगैरह सब डॉग सेल करते हैं, आपके दूसरे जरिए हैं, आप उनसे साथ बाय करें। तो आज का आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था कि आज हम आप लोगों को पेडिग्री के बारे में बताएं, पेडिग्री की सिचुएशन के कंडीशन जो भी हैं आपको बताएं। तो अगर और भी कुछ सवाल आपके जहन में हैं तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं, हम 24/7 आपके लिए अवेलेबल हैं। डॉग की हेल्थ से रिलेटेड, डॉग की ब्रीथ स्टैंडर्ड से रिलेटेड, बाय एंड सेल के रिलेटेड, तो हम आपके लिए अवेलेबल हैं। आपके जो भी सवाल है जवाब देने के लिए हम रेडी हैं। तो हमारा सेशन आपको कैसा लगा, हम जो एक आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं आपको, उसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा नीचे। और ज़रूर 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे पेज को आप लोग शेयर करें, ग्रुप के अंदर लोगों को न्यू न्यू लोगों को मेंबरों का इंट्रोड्यूस कराएं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हम आपसे शेयर करते हैं वो इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वाइटल्स हैं। और अगर इन शेयर इन्फॉर्मेशन को आप शेयर करना चाहते हैं, आगे स्प्रेड करना चाहते हो, काइंडली काइंडली चलिए हमारे ग्रुप का लिंक जो है, हम आपको पता है कहाँ है, उसको शेयर करें ताकि न्यू लोग आएँ और न्यू उनकी भी हम इन्फॉर्मेशन से कुछ इस्तेमाल हासिल करें। तो आज के लिए इतना ही बहुत काफ़ी।
इंशाल्लाह फिर एक न्यू टॉपिक के साथ फिर एक दिन आएंगे और आप लोगों के साथ फिर मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो सब अल्लाह में सबको भी हिफ्ज़ ईमान में रखें, और मिलते हैं फिर कुछ दिन के बाद। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।